दोस्तों मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी कैरियर यानी फिल्म कैरियर की शुरुआत 2013 में एक मूवी आई थी काय पोछे नाम से एक मूवी है दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों इनकी फिल्म दोबारा आपको दिखाई दी पीके फिल्म में। उसके बाद दोस्तों आपने देखी होगी एक मूवी केदारनाथ, बहुत ही अच्छी मूवी थी जिसमें दिखाई देते हैं। उसके बाद इनके मृत्यु के बाद जो मूवी आती है उसका नाम है दिल बेचारा दोस्तों। वो फिल्म देख करके आपको सच में आंखों से आंसू आ जाएंगे। और इन्होंने कई सारी फिल्मों में काम किया है और ये एक ऐसे सेलिब्रिटीज एक ऐसे एक्टर थे जो कि बहुत ही कम उम्र में सबसे ज़्यादा नेम गेम कर लिया था, नेम फेम बना लिया था। और आप लोग दोस्तों देखते रहिए, आगे का ब्लॉग हम आपको दिखाते हैं। और अगर यह ब्लॉग आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर और ये जो ऊपर आप दिखाई दे रहा है ये मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत का घर है और ये यहाँ पे गेट है। दोस्तों आज हम सबके बीच मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत नहीं हैं बट उनकी फिल्में देख करके बहुत ही दुख फील होता है, इतने अच्छे कलाकार थे आज हमारे बीच नहीं हैं। आप दोस्तों देख सकते हो ये उनका घर है। जो भी उनके चाहते फैन फ्रेंड्स हो वो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो ऊपर की बिल्डिंग दोस्तों आपको दिखाई दे रही कांच, वहाँ पर रहते थे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। सो हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे सेलिब्रिटीज का घर दिखाने वाले हैं, एक ऐसे महान एक्टर का घर दिखाने वाले हैं जिनकी फिल्में आज हम देखते हैं ना तो हमारी आंखों से आंसू आ जाते हैं। दोस्तों हम सबके चाहते सुपरस्टार एक प्रकार से बोल सकते हैं कहे जाने वाले मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत, जिनका जन्म दोस्तों 21 जनवरी 1986 में पटना बिहार भारत में हुआ था। दोस्तों आज के समय में प्रेजेंट टाइम में मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं हैं मगर दोस्तों कहते हैं ना ऐसे लोग कभी भी मरते नहीं हैं, हमेशा हमारे दिलों पर ज़िंदा रहते हैं। दोस्तों हम आज उन्हीं कलाकार उन्हीं एक्टर का घर दिखाने वाले हैं जो कि मुंबई बांद्रा में कांटा रोड पर स्थित है। दोस्तों यह वीडियो आप लोग पूरा ज़रूर देखना लास्ट तक क्योंकि अगर आप भी मिस्टर सुशांत सिंह के चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे और अगर पसंद आएगा तो लाइक भी करेंगे। दोस्तों जो कि हमारे बीच नहीं है आपको पता है, जिनकी मृत्यु हो गई थी जून में 2020 14 जून 2020 को हो गई थी और बताया जाता है कि आत्महत्या, और इनके मृत्यु पर अब भी केस भी चल रहा है क्योंकि इनके फैमिली वालों को डाउट है कि वह खुद आत्महत्या नहीं किए। बाकी आगे की जानकारी क्या है दोस्तों आप सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे। तो हम दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको मिस्टर सुशांत सिंह के बारे में बताएंगे, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी, उन्होंने किस किस सीरियल में काम किया है, हम सारा कुछ एक्सप्लोर करेंगे वीडियो में, आप लोग अंत तक बने। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये है मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर, वो जो आपको ऊपर का फ्लोर दिखाई दे रहा वहाँ पर रहते थे हमारे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत जो कि आज हमारे बीच नहीं हैं। और सच बताऊं तो उनकी जो भी फिल्में थी बहुत ही हिट होती थी और बहुत ही अच्छी फिल्म होती थी और वो आज हम सबके बीच नहीं हैं, बहुत ही दुख फील होता है उनकी फिल्में देख करके, ऐसा लगता है कि वो इस दुनिया से नहीं गए। बट आप लोग देख सकते हैं ये घर जो है सामने दोस्तों, यही आप देख सकते हो सुशांत सिंह राजपूत का घर है। मैं आपको सारी जानकारी और आगे की बताता हूँ। तो दोस्तों अगर हम आप लोगों को मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के कैरियर की बारे में बात करूं तो दोस्तों इनका सबसे पहले इन्होंने टेलीविज़न धारावाहिकों से इन्होंने अपनी कैरियर की शुरुआत की थी 2008 में। दोस्तों 2008 में इनका एक सीरियल आया था स्टार प्लस पे, किस देश में है मेरा दिल। उसके बाद दोस्तों इन्होंने किस देश में है मेरा दिल सीरियल में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया। फिर उसके बाद 2009 में इनका एक नाटक आया था, एक सीरियल आया था पवित्र रिश्ता। जी हाँ दोस्तों आप सभी लोगों को याद होगा पवित्र रिश्ता जो कि सुशांत सिंह राजपूत सर का था जो कि 2009 से 2011 तक चला। और भी इनकी सारी कई सारी फिल्में हैं दोस्तों जो मैं आपको बताता चलूं तो इनकी लास्ट फिल्म 2020 में एक रिलीज हुई थी जिसका नाम था दिल बेचारा। अगर आपने नहीं देखा है दोस्तों तो हम स्क्रीनशॉट में लगा देंगे, मूवी आज आप ज़रूर देखना। इस मूवी को देखने के बाद जब हम ये सोचते हैं कि मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है तो एक दिल सा दहल उठता है कि ऐसे कलाकार जो कि आज हमारे बीच नहीं है उनकी मूवी देखकर हमें आंसू आ जाते हैं हमारे आंखों से। दोस्तों आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं इस जब इनकी मूवी देखता हूं तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना कि पूछो मत, और आंसू आ जाते हैं दोस्तों कि इतने महान कलाकार कैसे हम लोगों के बीच नहीं हैं।
हम दोस्तों और भी आपको आगे की जानकारी देते हैं, हमारे साथ जुड़े रहिए। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं जैसे कि ये मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर है, और उसके बाद हम थोड़ा नज़दीक चलते हैं और आपको ये जो बिल्डिंग्स दिखाई दे रही दोस्तों, इसके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा फ्लोर, वहाँ पे रहते थे मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत। और उसके बाद दोस्तों इस ओर जो है कि समंदर का किनारा है, और हम थोड़ा चलते हैं नज़दीक। यहाँ पे घर खाली हो चुका है क्योंकि इनके मृत्यु के बाद घर को पूरा खाली कर दिया गया था, और जो मेन गेट है हम आपको दिखाना चाहते हैं, चलते हैं वहाँ पे। ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, और यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं ये है मेन डोर जहाँ पे लिखा है माउंट ब्लेंस। दोस्तों माउंट ब्लेंस लिखा हुआ है, ये गेट है, इस प्रकार का यहाँ पे घर है दोस्तों, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे बाहर यहाँ का सीन आप लोग दोस्तों देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको दिखाता चलूं मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर, तो आप लोग हमारे पीछे दोस्तों देख सकते हैं यह जो यहाँ पे गेट है और यह घर है, ऊपर की ओर जो बिल्डिंग्स आप दिखाई दे रहे दोस्तों, वहाँ पर मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत रहते थे, और इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इस घर को खाली कर दिया गया था। और मैं आपको बताता चलूं दोस्तों, तो इनकी मृत्यु के बताया जाता कि आत्महत्या की थी, मगर इनकी फैमिली वालों को शक है, इन्होंने महाराष्ट्र सरकार से गुजारिश की है कि CBI की जाँच की जाए, पर दोस्तों इसकी आगे की जानकारी मुझको नहीं पता, आप लोग नेट पर न्यूज़ पे सर्च कर सकते हैं। तो और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, और मैं बताता चलूँ दोस्तों, सच में इस ब्लॉग को शूट करने के दौरान मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी आंखों से आंसू आ जाएंगे, क्योंकि मैं इनका बहुत ही बड़ा एक प्रकार से फ़ैन था, और जब से मैं इन्हें जानता था, इनकी मूवीज़ देखता था, तो अब जब इनकी मूवी देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि रोना आ जाता है। आप लोग दोस्तों देख सकते हो, आगे की जानकारी मैं आपको दिखा। सो दोस्तों अगर आप भी आना चाहते हैं मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर देखने के लिए, तो मैं आपको बताता चलूं उनके घर का एड्रेस। आपको दोस्तों बांद्रा रेलवे स्टेशन आना होगा, और उसके बाद बांद्रा रेलवे स्टेशन से दोस्तों आपको कांटा रोड पे आना होगा। बांद्रा रेलवे स्टेशन से 15 रुपये लेता है ऑटो वाला, आप 15 रुपये दे करके कांटा रोड आइए, वहीं पर आपको सचिन तेंदुलकर सर का घर और उसके बाद मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत सर का घर भी दिखाई देगा, और उसके जस्ट बगल में समंदर आपको व्यूज़ यहाँ पे दिखाई देगा दोस्तों, और उस साइड पे बांद्रा बैंड स्टैंड है जहाँ पे आपको कई सारे सेलिब्रिटीज़ के घर दिखाई देंगे, शाहरुख खान, सलमान खान। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आप मिस्टर सुशांत सिंह राजपूत के फ़ैन फॉलोअर्स रहे होंगे तो ज़रूर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं हम आपको किसी मुंबई की नई लोकेशन के साथ, किसी न्यू सेलिब्रिटीज़ के घर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।